हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एनबीएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स की क्लासेस रोज़ आएगी जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो पूरे तैयारी आपकी जो है यहां से हो जाएगी करंट अफेयर्स की, जीके जीएस की। तो चलिए, आज पहला क्लास है करंट अफेयर्स का। और मैं आपको बता दूँ, करंट अफेयर्स हम लोगों ने मई से स्टार्ट किया है, मई 2022 से, ताकि आपका करंट अफेयर्स का जो एग्ज़ाम डेट, देखिए अभी आई नहीं है, अगर एग्ज़ाम डेट 6 महीने बाद भी आती है तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रह जाएगा ये ईयर, ये मंथ। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ मैं। यहाँ से आप देख सकते हो *9, आपको बस ये बताना है, जो *9 मोबाइलिटी प्राइवेट लिमिटेड पवन हंस लिमिटेड में सरकार कितने प्रतिशत शेयर खरीदेगी। देखिए, एक प्राइवेट कंपनी है *9, उसमें सरकार शेयर खरीदने वाली है, तो सरकार उसमें कितने प्रतिशत शेयर खरीदेगी, 49, 60, 51 या 75%। तो इसका राइट आंसर आप यहां से देख पाओगे, यहां से आप देख लो, 51% स्टेक, यानी कि लगभग लगभग जो डिसीजन होगा वो अब गवर्नमेंट लेगी, यानी कि 50+ से ज़्यादा का शेयर जिसके पास होता है, मालिकाना हक उसके पास होता है, ऑनरशिप उसके पास आ जाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, सी के साथ आपको जाना था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है कि हाल में ही निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में सिख प्रतिनिधि से मिला, वो राजनाथ सिंह थे, पीयूष गोयल थे, अमित शाह थे या नरेंद्र मोदी। तो यहाँ से आप देख पाओगे, पीएम मोदी ने सिख जो डेलीगेट्स थे उनसे, डेलीगेशन था उनसे, उन्होंने भेंट की नई दिल्ली में, और उसमें टोटल 100 मेंबर आए हुए थे, 100 मेंबर का इन्होंने स्वागत किया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, रिसेंटली EAM यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो कि आप जिसे विदेश मंत्री के नाम से जानते हो, SJ शंकर, वो किस देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने हाल में ही मुलाकात की है, श्रीलंका, भूटान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर आप यहां से देख पाओगे, यहां से देख लीजिए, भूटान के पीएम से ये मिले। और देखिए, भूटान हमारा पुराना दोस्त के साथ साथ भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया ही डिसाइड करता है, पेट्रोल हो, रेल सेवाएं हो, सारी चीज़ों को इंडिया ही देखता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूटान। एक और बात आप यहां से देख लीजिए, भूटान के पीएम का नाम भी यहां पे लिखा हुआ है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। आपसे मैं एक छोटा सा प्रश्न ही पूछ लेता हूं, अब आप बता दो भूटान की राजधानी कहाँ है, भूटान का कैपिटल नाम आप जो है, कैपिटल का नाम है वो नीचे लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, भूटान के का जो झंडा है वो झंडा के ऊपर में क्या, जैसे इंडिया के झंडा पे ट्राइकलर है, एक चक्र है, वैसा भूटान के झंडे में क्या है डिजाइन में, वो नीचे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, सर्वानंद सोनेवाल या निर्मला सीतारमण। तो देखिए, यहाँ से आप देख पाओगे, ये हैं सर्वदा ये जो सोनेवाल जी हैं, एक्चुअली ये आसाम के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सर्वानंद सोनेवाल, और वहाँ पे अभी नए जो चीफ मिनिस्टर हैं आपको पता ही है वो बन चुके हैं। उसके बाद इनको केंद्र में जो है बुला लिया गया वापस, और ये यहाँ पे क्या बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं। तो सर्वानंद सोनेवाल जी का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया आसाम के नए चीफ मिनिस्टर कोई बन चुके हैं, उनका नाम आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आसाम के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, उनका नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप एनबीएस की तैयारी कर रहे हो तो केबीएस, एनबीएस, DSSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 100 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। जी हाँ, 100 रुपये में ये पेपर आपको मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको एनबीएस के नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स फॉर पार्ट वन के लिए, चाहे TGT हो या PGT हो, आप ओनली 499 में ये नोट्स एक्वायर कर सकते हो। ईमेल कर लीजिए yourmithunsingh@gmail.com पे, इंस्टा पे हो देन टू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से आप जो है नोट्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, BSF शूट्स डाउन मेड इन इंडिया ड्रोन अलोंग पाक बॉर्डर इन, यानी कि BSF ने किस जगह पे, किस प्लेस पे जो पाकिस्तान सीमा है, मेड इन चाइना
मेड इन चाइना ड्रोन को मार गिराया है, अमृतसर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिरोजपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ से देख पाओगे, अमृतसर के पास जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे इन्होंने जो है मेड इन चाइना ड्रोन को मार गिराया है बीएसएफ के द्वारा। और बीएसएफ का फुल फॉर्म भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर फिलहाल आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। रिसेंटली दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मीट्स विच स्टेट सीएम इन दिल्ली। तो देखिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ममता बनर्जी थी और ये इसलिए मिल रही थी ताकि जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो सारे लोगों से एक दूसरे से मिलते रहते हैं ताकि सरकार के खिलाफ एकजुट खड़े हो सके। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जापान प्रपोजेस, देखिए क्वाड लीडर की जो मीटिंग होती है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वाड क्या होता है। क्वाड चार कंट्री से मिलकर बना है, जिसमें कि आपका अमेरिका है, इंडिया है, इसमें आपको जापान भी मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा। ये चारों लोग जो है चाइना पे जो इंडो पैसिफिक है उस पे नज़र रखते हैं ताकि चाइना यहाँ पे दादागिरी ना कर सके। तो जापान ने यहाँ पे क्या मीटिंग में क्या प्रस्ताव, ये जो मीटिंग होने वाली है इसका प्रस्ताव कब रखा है, 23 मई, 24 मई, 25 मई या 26 मई? तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हो 24 मई को ये क्वाड सबमिट किया जाएगा जापान में। तो जापान ने ही इसकी जो है प्रस्ताव को रखा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा, यूएस लॉस एंजलिस में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए कौन सी आईपीएल टीम है? तो देखिए आपको बताना है ये कौन सी टीम है जो कि वहाँ पे स्टेडियम बनाने वाली है। मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? तो यहाँ से आप देख पाओगे कोलकाता नाइट राइडर्स एंड मेजर लीग क्रिकेट टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेट। तो देखिए लॉस एंजलिस में केकेआर जो है वहाँ पे टीम बनाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, रिसेंटली विच कंट्री वॉर्न्स ऑफ कोविड फिफ्थ वेव एज अ केसेस राइजेस। देखिए केसेस बढ़ रहे हैं और इन्होंने बताया कि पांचवी लहर आने वाली है इस देश में, वो देश कौन सा है? जापान है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर साउथ कोरिया है? तो यहाँ से आप देख पाओगे साउथ अफ्रीका है, सॉरी कोरिया नहीं, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में शायद कोविड के फिफ्थ वेव आपको देखने को मिले। और द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है, आप इसे पेन पेपर पे नोट कर सकते हो, एग्जाम में ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके का भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए और एक वीडियो को लाइक ज़रूर दे दें। थैंक यू सो मच।